नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी इलेक्शन में। जी हां साथियों, मंत्री विधानसभा चुनाव को लेकर अभी बहुत ताज़ा अपडेट निकल के सामने आ रही है। जी हां साथियों, हम आपको बता दें, ये सनातन तहस नहस करना चाहते हैं। क्या बोले पीएम मोदी? जी हां साथियों, मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। जी हां साथियों, इन सभी खबरों को जानने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे तो आ डाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हाँ साथियों, हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मध्य प्रदेश के बीना पहुंचते ही पीएम मोदी ने यहां बीना में 50,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। जी हां साथियों, इसी दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया कि पीएम मोदी ने सनातन पर जारी सियासी विवाद को लेकर विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा हुआ है। जी हां साथियों, आपको बता दें, पीएम मोदी ने एमपी को 50,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और नई योजनाएं मध्य प्रदेश में जारी की गई है। जी हां साथियों, हम आपको बता दें, बीना रिफाइनरी में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर में 10 नई उद्योग परियोजनाएं शामिल होने वाली हैं। इसके बाद पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होने वाले हैं। जी हां साथियों, जहां पे 6,350 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण रेल क्षेत्र की परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। जी हां साथियों, क्या मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी सरकार बन सकती है? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना कमेंट। जी हां साथियों, चलिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नई वीडियो में।